ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मैनपुरी से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के अवध नगर कॉलोनी निवासी रेखा देवी महिलाओं के साथ मुख्यालय पहुंची और शुक्रवार को जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने आय प्रमाण पत्र एवं परिवारीजन सर्टिफिकेट बनवाया था, जिसकी रिपोर्ट लगाने के लेखपाल के भेजे गए मुंशी द्वारा पैसे मांगे जा रहे थे, नहीं तो कोई रिपोर्ट नहीं लग पाएगी। ये भी बताया कि आए दिन बिना रिश्वत के किसी भी लोगों का कोई भी काम नहीं होता है। मैंने ईडब्ल्यूएस कार्ड बनवाया था, तो ईडब्ल्यूएस कार्ड में मेरे से भी उन्होंने कहा था कि आप घर आके मिलिए और वहाँ हम बात करते हैं आपसे। तो शाम के टाइम मैं अपने पति और अपनी मम्मी के साथ वहाँ उनके घर रात में उनके निवास पे गई थी। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे तहसील बुलाया था, तो उन्होंने वहाँ मेरे से 2000 रुपये का बोला था, फिर मैंने 500 रुपये तक में वो मान गए थे। तो मैं उनको दे के तो 500 आई थी, मैंने कहा था बाद में फिर देख लेंगे, और उन्होंने साइन करने के उस टाइम पर मेरे से 500 रुपये ले लिए। और काफ़ी सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वो बिना पैसे के, हर कोई जानता है, तहसील मैन भी मोस्टली, हर कोई यही कहता है कि बिना लेन देन के वो कोई काम नहीं करता। सहायता संघ अंतर्राष्ट्रीय की राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये हमारी टीम है मानवाधिकार की, जिला अध्यक्ष क्या नाम है आप, किसान जैन जी, ठीक है। ये हमारी उपाध्यक्ष हैं अनन्या चौहान जी, ये हमारी जिला अध्यक्ष महजवी खान जी, ये गौरी तिवारी जिला प्रभारी। आज डीएम साहब से मिलने हैं, क्या शिकायत है? जी डीएम साहब से हम इसलिए मिलने आए, ये माता जी हैं, ये 5 महीने से परेशान हैं, क्योंकि इनके पति का पिछले साल 2023 में 2 जून को इनके पति एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से इनका मृत्यु प्रमाण पत्र तो बन गया था, तो हमारे सभासद ने लिख के भी दिया कि ये यहाँ के निवासी हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना मूल निवास, आय प्रमाण पत्र और परिवारिकजन के लिए 3 बार ये ऑनलाइन करवा चुकी हैं, लेकिन लेखपाल हैं ब्रजेश राठौर जी, वो बार बार खारिज कर देते हैं, कभी कुछ बहाना बना देते हैं, कभी कहते हैं आधार कार्ड वाला पता लिखाइए। जब आधार कार्ड वाला लिखा है, क्योंकि पहले ये कमला टॉकीज में रहती थी किराए पे, तो वहाँ के पति का आधार कार्ड है, अभी अवध नगर में रह रही हैं, तो भाई किराए का है, कहीं भी किराएदार कहीं भी रह सकता है। तो उन्होंने पहले इन्होंने आधार कार्ड का लिखाया तो खारिज कर दिया कि अब जहाँ रह रही हो वहाँ का लिखाओ, वहाँ का लिखाया फिर खारिज कर दिया, फिर तीसरी बार बोले फिर वहाँ का लिखाओ, फिर वहाँ का लिखाया, अब पूछे आपका गांव कौन सा है, तो उन्होंने अपने गांव का नाम बताया, वहाँ वो गांव भेज दिया, वहाँ से वहाँ जांच ली। इनके पति 9 साल की उम्र में माता पिता ख़त्म हो गए थे, और वो कुछ रिश्तेदारों के साथ मैनपुरी आके रहने लगे थे सारे भाई, यहीं उन्होंने मेहनत मजदूरी करके बड़े हुए, यहीं उनकी शादी हुई, यहीं बच्चे हुए, और यहीं वो ख़त्म भी हो गए। तो गाँव में कौन जानने वाला, केवल परेशान करने के लिए गाँव जाँच भेज दी। अब इनको कुछ जांच के लिए जब आए थे, 2 लड़के आए थे, तो इनसे बोले कि अम्मा वो तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता काम का तरीका होता है, नहीं बता लला कैसा होता है, कि कम से कम आपको 3000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तब लेखपाल साहब साइन करेंगे। तो देखिए लला, 3000 तो हम बर्तन मांझ के कमाते हैं, हम 3000 तुम्हें दे देंगे, खाएंगे क्या? तो बोले अब जे तो आप देख लो आपको कैसे क्या करना, अगर आपको करवाना है तो इतना तो करना पड़ेगा। तो वो लेखपाल के लोग थे? हाँ, लेखपाल के यहाँ से आए थे जाँच के लिए, और उसके बाद में इनका फिर खारिज कर दिया। उसके बाद ये 5-6 बार तहसील गई हैं, लेकिन इनको किसी ना किसी तरह से वहाँ से लौटाल दिया जाता। फिर एक बार नेपाल साहब ने इनसे कहा कि अम्मा आपको बता तो दिया था, हमारे यहाँ से गए थे जांच के लिए, कि काम का तरीका क्या है, तो आप अगर काम करवाना तो तरीके से ही काम होते, ऐसे नहीं होता। मतलब इनका कार्य नहीं कर, 5 महीने से इनको परेशान किए जा रहे, ना मूल निवास बना रहे, ना आय प्रमाण पत्र। अब आप बताओ ये गरीब महिला 3000 रुपये जो खुद कमा रही है, उनको 2500-3000 रुपये कहाँ से दे देंगे? तो ये बहुत परेशान है, ये हमारे पास आई, इन्होंने हमसे मदद मांगी, तो हमारी पूरी टीम इनकी मदद के लिए आज यहाँ आई है डीएम साहब से मिलने। तो ये 50,000 सैलरी कमाने वाला, क्या सरकार की सैलरी कम पड़ रही है नेकपाल साहब के लिए? 50,000 सैलरी में कोई इतना मेंटेन कैसे कर सकता है कि पूरा मार्बल का बंगला लो, गाड़ी लो, सारे शौक लो? तो साफ नज़र आ रहा है कि सरकार की सैलरी में कोई अपने बच्चों को ही पढ़ा सकता है, रोटी खा सकता है। तो आप क्या डीएम साहब से क्या मांग रहे हैं? डीएम साहब से हम ये चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर तुरंत से तुरंत, और मैं आपको बता दूं, शायद वो ये मान लो कि उस समय मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, मेरा कीमो हो के चुका है, तो उस दिन मैं इनके साथ आई 3-4 दिन पहले, तो एक व्यक्ति कोई खदन निकलवाने आए थे, पति पत्नी, उनसे 15,000 की मांग की थी, वो बेचारी कहीं से 8,000 करके लाई, तो हमारे सामने मेज के नीचे से नेकपाल साहब ने लिए। और उसके बाद जब बाहर निकली वो महिला, तो मैंने उनसे पूछा ये पैसे किस बात के लिए, तो बोली हमारी फद निकलवानी है और 15,000 मांगे, हम कहीं से बहन जी करके लाए हैं 8,000 रुपया, और हमारे सामने बोले बाकी के कब दोगी, उसका भी इंतजाम करो। तो हमने कहा गलती तो आप लोगों की है, आप रिश्वत दे के डाड़े लगाते हो, आप लोगों के देने की वजह से गरीब परेशान है, कि हम भी गरीब ही हैं, इंतजाम किया तो मैंने अब और बाकी के रह गए, उसके लिए अपने बीवी बच्चे बेच देना। तो क्या चाह रही हैं? हम चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे रिश्वतखोर को
यहाँ रहने का कुर्सी पे कोई अधिकार नहीं है। जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी चिल्ला चिल्ला के मंच पे कहते हैं कि यहाँ पे रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, हमारे राज्य में रिश्वत, हमारे शासन में रिश्वत नहीं ली जाती, हम तो रिश्वत देखते हैं। मैंने तो अब यहाँ भी देखी और मैं जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस में भी, मैं तो वहाँ के कोर्ट वर्ड भी जानती हूँ कि रिश्वत के क्या कोर्ट वर्ड है। वहाँ जब हमारे एक मैटर चल रहा था, हमने 6 साल वहाँ चक्कर लगाई, तो रिश्वत के कोर्ट वर्ड थे कि तम्बाकू खिलाओ मतलब 100 रुपये दो सीट के नीचे से, उसके बाद चाय पिलाओ मतलब 200 रुपये दो सीट के नीचे से, और अब मिठाई खिलाओ मिठाई में 1000, 1500, 2000, ये तो वहाँ के कोर्ट वर्ड हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ के। अब आप बताइए फिर कहाँ से योगी जी मंच पर खड़े होकर ये भाषण देते हैं कि हमारी सरकार में रिश्वत नहीं, खुलेआम रिश्वत है, खुलेआम महिलाओं का उत्पीड़न है। या तो योगी जी अगर वो राजा बने हैं तो जनता की वजह से बने हैं, ठीक है, जनता ने ही उनको चुना है। अगर उनके पास इतना समय नहीं है, कभी भगवान राम के नाम पे वोट बटोर रहे हैं, तो भगवान राम की तरह कभी आके प्रजा के बीच में भी देखें कि हमारी प्रजा का क्या हाल है, हमारे यहाँ की महिलाओं का कितना उत्पीड़न है, कितना गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, गरीब महिलाएं हैं, गरीब पुरुष हैं। केवल भगवान राम के नाम पे वोट नहीं लेना, इन्होंने एक जरिया बना रखा है वोट लेने का। मैं भी भाजपा की समर्थक हूँ, मैं खुल के कहती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं भाजपा की बहुत बड़ी समर्थक हूँ, पर मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मैं गलत के खिलाफ खुल के विरोध करती, फिर चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी नेता हो। और अगर हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो हमारा इस संगठन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मानवाधिकार का मतलब है मानव के अधिकारों का हनन होने से रोकना, लेकिन यहाँ तो सरेआम इस सरकार में मानव के अधिकारों का हनन हो रहा। हाँ, बीजेपी और इसकी सपा की सरकार में भी रिश्वत चलती थी, लेकिन खुलेआम तो लेते थे, कम से कम ये तो था कि हमारी रिश्वत ले रहे हैं। आप तो चोरी छिपे सीट के नीचे से रिश्वत ले रहे हैं, कैमरा का पता नहीं क्या है, आधे से ज्यादा कैमरे खराब पड़े होते हैं ऑफिसों में, उनके मुंह मोड़ दिए जाते जब रिश्वत लेनी होती, पता नहीं क्या करते। तो हमारा योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील है, या तो आप राम के नाम पे वोट बटोरना खत्म करें, या फिर जनता के सामने आके देखें एक राम भगवान की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बन के, और आके देखें कि हमारी प्रजा के साथ क्या हो रहा, तभी आपको प्रजा का दुख दर्द पता लगेगा। केवल मंच पे खड़े होकर भाषण देने से कोई फायदा नहीं है, आप भाषण दे के चले जाते हो और प्रजा के साथ में अन्याय फिर भी हो रहा है। तो ये मेरी उनसे अपील है, योगी जी से, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के दायित्व को अच्छे से निभाएं, वरना आप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है। मैं खुल के कहती हूँ, जो करना हो कर लो, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है वो। फिर अगर आपकी जनता परेशान है तो ऐसे नेता का, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री का रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।